अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं डेली एनटीएस एंड पीपीएस जॉब्स और मैं हूं आपका दोस्त ज़ाहिर रशीद। दोस्तों 15 मार्च 2019 को सरकारी मुलाजमीन के हवाले से एक न्यूज़ है जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। बहुत सारे सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं मुल्तान में, तो इस के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि ये किस मकसद के लिए इकट्ठे हो रहे हैं और इसकी सदारत कौन करेगा। ये बात मरकजी जनरल सेक्रेटरी एपका पाकिस्तान चौधरी खालिद जावेद संगेड़ा, सीनियर नायब सदर एपका पंजाब मोहम्मद इकबाल खान न्याजी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी एपका पंजाब मलक मुनव्वर इकबाल की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस एक हुई है। एपका सुप्रीम कौंसिल पाकिस्तान का इजलास मोरखा 15/3/2019 बरोज़ जुमा 2 बजे दिन रजा हाल ज़िला कौंसल मुल्तान में होगा, जिसमें मेहमान खसूसी बानी एपका पाकिस्तान जनाब सैयद हदायत यार बुखारी, मरकजी सदर जनाब बनारस खान यदून, तमाम मरकजी और तमाम सूबों के सूबाई अहदेदारान, डिविजनल ज़िली सदूर, जनरल सेक्रेटरी शिरकत करेंगे। इजलास में एपका को पूरे पाकिस्तान में मज़ीद फ़ाल और एक मुनज़्ज़म तंजीम बनाने के लिए कई तंजीमी फैसले जात किए जाएंगे और एपका का आइंदा का लाह अमल भी तय किया जाएगा। मोरखा 16/3/2019 बरोज़ हफ्ता 10 बजे दिन आर्ट्स कौंसल मुल्तान में एपका वर्कर कन्वेंशन होगा, जिसमें मेहमान खसूसी बानी एपका पाकिस्तान जनाब सैयद हदायत यार बुखारी, जनाब वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, जनूबी पंजाब के तमाम अजला के MNAs, MPAs, तमाम तंजीमों के कायदीन, मरकजी सूबाई डिवीजनल ज़िली एपका अहदेदारान और एपका के जनूबी पंजाब के तमाम अजला के एपका के शाहीन इसमें भरपूर शिरकत। एपका के चार्टर ऑफ डिमांड में जो चीज़ें शामिल है वो मैं आपको बताता चलूँ कि तमाम एडहाक रिलीफ को बुनियादी तनख्वाहों में शामिल करके पे स्केल रिवाइज और महंगाई के तनाफ़ से तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। हाउस रेंट नए पे स्केल पर 60% सबको दिया जाए। यूटिलिटी अलाउंस, सेक्रेटरीट अलाउंस पंजाब के तमाम अजला के तमाम महकमाजात के तमाम मुलाजमीन को दिया जाए। ग्रुप इंश्योरेंस की रकम रिटायरमेंट के वक्त वापस की जाए। तमाम कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को रेगुलर किया जाए और आइंदा भर्ती रेगुलर की बुनियाद पर की जाए। बाकी असामियों की अपग्रेडेशन भी हर हाल में करवाई जाए गी खाली असामियों पर प्रमोशन हमारा हक है और अपने हक के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। एपका के शाहीनों के हकूक़ के लिए किसी के लिए दिन रात कोशिशें हैं और जायज़ हकूक़ के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। एपका सुप्रीम जनरल कौंसिल पाकिस्तान के इजलास और कन्वेंशन में पूरे पाकिस्तान से एपका के मरकजी सूबाई डिवीजनल ज़िली एपका अहदेदारान और शाहीन अपने हकूक़ के लिए अपना अपना रोल अदा करते हुए शिरकत फरमाएंगे। ये बात बताई है मुनव्वर इकबाल साहब हैं, सूबाई इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी आपका पंजाब है, उनकी तरफ से ये अनाउंसमेंट की गई है और तमाम सरकारी मुलाजमीन को इसमें शिरकत की दावत की गई है और अपने जो भी मुतालबात हैं, हर किसी कैडर के अपने अपने मसाइल होते हैं तो वो इनसे डिस्कस कर सकते हैं। नाज़रीन ये थी अब तक की लेटेस्ट अपडेट, उम्मीद आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो आपने इस चैनल को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है और आपका के दीगर अहदेदारान तक भी इस चैनल को ज़रूर पहुँचाएँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।